मुमरा में पहली बार नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलने जा रही है मुमरा की टीम, देखिए पूरी वीडियो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीते कुछ सालों से मुमरा कौसा के तमाम नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था फुटबॉल का, और ऐसे में ये ट्रेनिंग होने के बाद लखनऊ में उन्हें इनवाइट किया गया है फुटबॉल खेलने को लेकर के, और ऐसे में ये तमाम जो नौजवान हैं मुमरा के वो लोग नेशनल लेवल पर खेलने लखनऊ जा रहे हैं। इसी के चलते क्या कुछ जानकारी तमाम वहाँ के मुमरा फुटबॉल अकेडमी के लोगों ने दी है वो हम आपको दिखाते हैं, और साथ ही में सबसे ज़्यादा अगर मदद किया है इस फुटबॉल एकेडमी को फाइनेंशियली और ऐसा खुद ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने का काम, तो वो रफीक कामदार ने करा है जो कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर के एडिटर है और साथ ही में समाज सेवक भी है बेहतर। तो देखिए पूरी वीडियो। तो आइए अभी आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, स्पेशल हमारे गेस्ट हैं, और जिनके होते हुए ये सारी चीजें बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल चीज थी, बहुत आसानी से मुमकिन हो पाई, हम आवाज देते हैं बड़े ही दिल से जनाब रफीक कामदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुमरा फुटबॉल एकेडमी, इसके तमाम कोचेस फैसल हैं, सायम हैं, सभी के नाम मुझे याद नहीं है, हमारे जुनेद अंसारी हैं, और ये तमाम बच्चे जो बैठे हैं, मैं दिल से चाह रहा था कि नेशनल लेवल का चैंपियनशिप है, इनवाइट किया गया है, और मुमरा की ये टीम, क्योंकि इस टीम पर, इस एकेडमी पर पिछले 2-3 साल से मेरी नजर बनी हुई है, बहुत बारीकी से तो नहीं और लगातार तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इनके जो कौसा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में इनके इवेंट्स होते हैं या जहां कहीं भी इनको मौका मिलता है, कोई अपनी निजी जमीन पर, अपने प्राइवेट लैंड पर इनको मौका देता है, वहां पर ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, ये कोचेस उनके पीछे मेहनत करते हैं, तो उसको मैंने देखा था। हमारे दोस्त है एसके रेसिडेंसी वाले शब्बीर खान साहब, तो शब्बीर खान साहब ने भी अपना एक, उनका जमीन उनकी थी, तो वहां पर काफी एक लंबे अरसे तक जो है फुटबॉल प्लेयर्स के लिए, चाहे वो शहर की बच्चियां हो चाहे वो लड़के हो, उनके लिए उन्होंने वो जगह अवेलेबल रखी थी कि आप यहां पर खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये शुरुआत जो थी आज से 3-4 साल पहले जो भी हुई है, तो मुमरा फुटबॉल एकेडमी ने एक शेप अब ले लिया है, एक शहर में जो है युवाओं में फुटबॉल जैसे गेम में, ज्यादातर लोग क्रिकेट की तरफ बहुत झुकाव रखते हैं, हर किसी को या तो सचिन तेंदुलकर बनना है या तो आज मोहम्मद सिराज बनना है, लेकिन फुटबॉल जो है ये क्रिकेट में अगर टेस्ट की हम बात करते हैं तो अनरिजल्टेड गेम भी हो सकता है, लेकिन इकलौता एक फुटबॉल ऐसा गेम है कि विदाउट रिजल्ट ये गेम होता नहीं है, इसका रिजल्ट आता ही आता है। अगर जो भी आपका मैच टाइम है उसमें नहीं हुआ है तो फिर पेनल्टी शूट आउट में होगा, और हर हाल में जो है उसमें आपकी प्रतिभा कितनी है, आपका टैलेंट कितना है, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप कितने मुकम्मल है, वो फैसला कर देती है उन चीजों का। और सबसे बड़ी बात, मेरी ख्वाहिश थी कि ये मौका मिला है मेरे शहर के बच्चे हैं और ये उस मौके को न गवाए, बगैर सोचे समझे मैंने कमिटमेंट किया, जैसे कि जुनेद भाई ने कहा बाय हुक बाय क्रूक, तो यही मेरे अल्फाज थे, मैंने यही कहा कोई नहीं करेगा तो पूरी मदद, चाहे जैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े मैं वो पूरी मदद करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं के चलते मैंने जो भी इसमें एक चीटी का जो कीजिएगा, मैं थोड़ा सा भूल गया था, जुनेद भाई ने सबका शुक्रिया अदा किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब जाती तौर पर पर्सनली अगर मैं हमारे मनपा के विरोधी पक्ष नेता है अशरफ उर्फ शानू पठान और खास करके अल मंतशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ग्यासुद्दीन शेख भाई हैं, बस एक बात पर, सिर्फ एक मतलब एक मिनट की मेरी बात थी और दोनों ने मना नहीं किया, दोनों ने यहां पर जो है कोऑपरेशन किया, हाथ आगे बढ़ाया, उनका भी सीना चौड़ा हुआ, शानू बटानो या ग्यासुद्दीन भाई हो या उसके बाद फिर एहतशाम भाई और पप्पू भाई हो या फिर शमीम भाई हो, रेहान भाई हो, जुनेद भाई के एक भाई जो है दोस्त है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, इन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक मिनट की हमारी बात पर उन्होंने लब्बैक कहा और इस टीम को, हमारी मुमरा कौसा की इस मुमरा फुटबॉल एकेडमी टीम को जो है उन्होंने दिल खोल करके मदद की और इस नेशनल चैंपियनशिप की जो ये कंपटीशन होने जा रही है उसमें भेजने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से जो है मदद की, उसके लिए फिर एक बार इन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया। कोशिश है
मुमरा फुटबॉल एकेडमी, स्पोर्ट्स को बढ़ाना, स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज को बढ़ाना, क्योंकि आगे चल करके जब ये मुमरा फुटबॉल एकेडमी और बड़े लेवल पर जाएगी, इसका स्तर धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो एकेडमी चलाने वाली ये कोचेस हैं, फैसल है, सायम है, एलेक्स है और जी जोएब भाई हैं और इनके साथ में जुनैद है, तो ये फुटबॉल तक महदूद नहीं रहने वाले, ये स्पोर्ट्स की अलग अलग फैकल्टीज को इसमें लाएंगे, बढ़ाएंगे। और मेरा और आप तमाम शहरवासियों का एक जिम्मा बनता है कि इनको मजबूत करें, इनकी कोशिशों में जो है हम एक्टिवली शामिल हो, सिर्फ जबानी जमा खर्च करके कोई काम नहीं होता है। तो हमें अगर हमारे शहर का माहौल बदलना है और मुमरा फुटबॉल एकेडमी जैसी यहाँ पर स्पोर्ट्स को आगे लाने वाली एकेडमीज है या ऐसी जो भी संस्थाएं हैं उनको अगर ज्यादा और मौके देना है, इनको और ब्रॉड लेवल पर अगर हमको लाना है, तो हमें खुद इनकी तरफ जो है आगे बढ़ना होगा। ये अपनी कोशिशें कर रहे हैं तो इनके साथ में हम अपनी क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपने शहर के बच्चों के लिए, हमारे अपने युवाओं किशोरों के लिए, तो बहुत खुशी की बात है। सबसे मैं दुआ करूंगा, कोई प्रेशर नहीं है इस टीम के ऊपर, साफ साफ है, इन बच्चों से हमने कहा है जाना है और फुटबॉल को जो है दिल से किक मारना है। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, हार जीत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह हार देगा मगर आप नेशनल खेल के लौटे हैं, पूरे नेशनल में आप मुमरा की पहचान बनाओगे, मुमरा का एक नाम दोगे। अल्लाह हाफिज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद अंसारी। आज का जो ये हमारी न्यूज है, ये न्यूज भी है, एक सरप्राइज भी है और एक अच्छी न्यूज मुमरा शहर के लिए एक अच्छी खबर भी है। तो इसको पूरा जानने के लिए मैं आइए आपको एक पूरा वाक्य सुनाता हूँ कि क्या वाक्य था, क्यों हिंदुस्तानी रिपोर्टर को हम आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको हमारी तरफ से, और रफीक कामदार साहब को हम आज एज अ गेस्ट अपने पास बुलाए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोस्तों हुआ यूं कि हिंदुस्तान के शहर स्टेट उत्तर प्रदेश में बहराइच ज़िले में एक ऑल इंडिया क्लब नेशनल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है। वहाँ से इन्विटेशन मुमरा में आता है कि मुमरा की टीम को वो इन्वाइट करते हैं कि वो नेशनल खेले आकर के, क्लब के जितना ऑल ओवर इंडिया का जो टूर्नामेंट है उसमें वो भी पार्टिसिपेट करें। तो ये जैसे ही इन्विटेशन आता है तो एक क्लब में भी एक खुशी की लहर दौड़ती है कि यार बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और हमें मौका मिला है कि अपने आप को अपने शहर से बाहर ले जा करके अपने शहर को रिप्रेजेंट भी करें और अपने गेम को एक्सपोज भी करें और एक एक्सपोजर भी वहाँ से लेकर के आए। तो ये मौका जैसे ही हासिल हुआ वैसे ही फौरी तौर पर एक मीटिंग ली गई, बच्चों को भी बुलाया गया और कोच हजरात जो यहाँ बैठे हैं आपके सामने आप देख सकते हैं, इनको ये भी मीटिंग इन्होंने ली और मीटिंग लेकर के फिर तमाम चीज़ों पर गौर किया गया। गौर करने के बाद पता ये चला कि भाई 19 से 21 लोगों की टीम हमको यहाँ से भेजनी है, जिसमें से 19 प्लेयर होंगे, कोच होंगे और हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी होंगे। वहाँ पर एंट्री फीस, वहाँ का अकोमोडेशन, कम से कम 7 दिन वहाँ रहना है, जाने आने का, ट्रेन का खर्चा और रहने का, फिर और भी एक्स्ट्रा अखराजात आ जाते हैं, कभी कोई बच्चा इंजर्ड हो गया, कुछ हो गया, मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, कुछ भी हो सकता है, ऐसे अखराजात को जोड़कर देखा गया तो 1,25,000 रुपये की हम लोगों को ज़रूरत पड़ी। अब इतनी बड़ी रकम एक एकेडमी के पास मौजूद नहीं होती, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी एकेडमी हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नहीं चल रही है। मुमरा शहर में स्पोर्ट्स को बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी इतने रेडी प्रिपेयर नहीं हो पाए कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये जैसे ही मामला हुआ तो हमारे ही एकेडमी, मुमरा फुटबॉल एकेडमी में एक प्लेयर हैं, उनकी वालिदा हैं, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम कुछ कोशिश करते हैं। इस तरीके से उन्होंने हमें फला होटल के पास बुलाया और उन्होंने कहा कि हम मैंने किसी को बुलाया है, आप आइए और उनसे बात करते हैं, और बात करने के बाद जो है देखते हैं कि काम ताकत अपनी मदद हो सकती है। जैसे ही हम वहाँ बैठे थे तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वहाँ पर जो है रफीक आमदार साहब पहुँचते हैं और रफीक आमदार साहब से हमारी मुलाकात होती है। तो जैसे कि मेरे और उनके ताल्लुकात तो काफ़ी सालों पुराने हैं, वो मुझे देखते ही पहचान लेते और कहते हैं कि जुनैद भाई क्या काम है। फिर उनको पूरी डिटेल के साथ में जो है हमारे कोचेज बैठे, उन्होंने पूरी डिटेल उनको बताई कि ऐसा ऐसा मामला है और ऑल इंडिया क्लब नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए हमारी टीम यहाँ से जा रही है, जिसके लिए हमें कम से कम जो है वो 1,25,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। रफीक आमदार साहब ने पूरी बातें सुनी और उन्होंने उसी वक्त जगह पे ये प्रॉमिस किया कि बाय हुक और बाय टुक आपकी टीम, हमारे शहर की टीम नेशनल खेलने जाएगी। उसके बाद खुद सबसे पहले उसकी शुरुआत रफीक आमदार साहब ने खुद की और उन्होंने 28,500 रुपया फौरी तौर पर सारे बच्चों की रिटर्न टिकट्स बुक करवा करके दे दी।
मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने फेसबुक पर यह चलाया था कि आई स्टैंड विद रफीक कामदार, मुझे नहीं लगता कि वो खाली रफीक कामदार के साथ स्टैंड करेंगे, बल्कि शाना बशाना रहेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग भी हमारे पूरे मुमरा शहर को रिप्रेजेंट करने वाले पत्रकारों में रफीक कामदार एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है, हम पूरे क्लब की तरफ से जो है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें हमारे शहर में एक जर्नलिस्ट ऐसा भी मिला जो ना कि सिर्फ एक जर्नलिस्ट है बल्कि स्पोर्ट्स के मैदान में भी और जायज बातों में बच्चों की मदद करने के लिए आगे आया। इसके बाद रफीक भाई ने, जैसे कि टोटल उनको पता था, इसके बाद रफीक भाई ने और लोगों से बातें की, फिर हमारे शानू पठान भाई, उनसे उन्होंने बात की, उन्होंने फौरी तौर पर रफीक भाई से बात उनकी बात सुनी और उन्होंने हमें बुलाया और 15,000 रुपीज़ का चेक उन्होंने फौरी तौर पर हमें वहाँ पर उनके ट्रस्ट की तरफ से दे दिया। शानू पठान साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मुमरा फुटबॉल एकेडमी आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद फिर रफीक भाई हमको लेकर के गए गयासुद्दीन भाई के पास, गयासुद्दीन भाई अलमंतशा बिल्डर का नाम आपने सुना होगा, उनके पास वो लेके गए, उन्होंने रफीक भाई ने उनको पूरी डिटेल्स बताई। जैसी उन्होंने उनको डिटेल्स बताई, उन्होंने फौरी तौर पर हमें 25,000 रुपये जो है वो निकाल करके दे दिया। इसके बाद रफीक भाई, हम वहाँ रास्ते पे खड़े थे और वहीं रफीक भाई को जो है हम लोग खड़े थे और रफीक भाई को हमारे को मिले रेहान पित्तल वाला साहब। रेहान पित्तल वाला साहब जैसे ही मिले रफीक भाई ने उनको भी वो सारी डिटेल्स बताई उन्होंने, क्योंकि वो प्रीप्लान नहीं। तो आइए अब मैं आपको मुमरा फुटबॉल एकेडमी के कोचेज से भी मिलाता हूँ, इनके जो पूरी टीम है उन टीम से मिलाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है साइमन अंसारी साहब। साइमन अंसारी साहब जो है वो कोच भी है और इस क्लब को पैदा करने के लिए उन बानियों में से एक बानी भी है। फिर हमारे फैसल भाई यहाँ बैठे हुए, ये भी है एज अ कोच। उसके बाद बीच में जो बैठे हुए है ये हमारे नौजवान जो बैठे हैं, ये हमारी टीम के कप्तान हैं जो यहाँ से एज अ कैप्टन वहाँ पर रिप्रेजेंट होने वाले हैं। उसके बाद बैठे हैं जोएब सैयद साहब, ये एज अ कोच यहाँ से बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, एज अ कोच एकेडमी में भी है और बानियों में से एक बानी है। उसके बाद यहाँ मौजूद हमारे सुफियान भाई, जिन्हें हम प्यार से एलेक्स कहते हैं, ये भी इस क्लब के कोच हैं और ये मेरे साथ सुफियान भाई नहीं जा रहा, अच्छा तो ये भी एक कोच है सुफियान भाई भी, ये कोचेस आपके सामने बैठे हुए हैं। इसमें से एक असार करके हमारे कोच है जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी है, वो यहाँ से जाएंगे। उसके बाद सामने आप देख सकते हैं कि जो पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, वक्त की किल्लत की वजह से सारे बच्चे नहीं आ पा रहे, क्योंकि कुछ बच्चे थाना में रहते हैं हमारे, जैसे कि अमे हैं और दूसरे भी बच्चे हमारे अपना दूसरे बच्चे का नाम अवार्ड ओमकार अवार्ड, ये बच्चे थाना में रहते हैं इसलिए इनको हम बुला नहीं पाए। बहरहाल ये बच्चे अपने जो मुमरा के जो है फिलहाल जो इजी अवेलेबिलिटी थी, इन बच्चे तमाम को हम बुला चुके हैं, यहाँ पर ये बैठे हैं आपके सामने। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।